आज जो है हम लोग जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द क्वांटम नंबर विच इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पहले जो है दिस इज़ द बेसिकली द थर्ड टाइप। इससे पहले जो है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी कर आए हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, एंड द सेकंड वन वाज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिफाइन करते थे। एन हमें बताता था नंबर ऑफ शेल्स एंड एनर्जी लेवल। एल हमें क्या बताता था? एल बताता था द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन वन शेल। ठीक है, ये बेसिक जो चीज़ें हमें पता चली थी, इनकी सारी डिटेल तो अपने अपने रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिवाइज करना ज़रूरी था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन टेल्स अस द नंबर ऑफ शेल्स एंड द एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट और इन दैट एटम। और एजीमुथल क्वांटम नंबर टोल्ड अस दैट द नंबर ऑफ सब शेल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ सब शेल्स आर प्रेजेंट इन वन शेल। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ विच इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर बात करने से पहले मैं बात करूँगा जीमेंस इफेक्ट की। ये इफेक्ट क्या था? इसको हमने स्टडी किया था वाइल स्टडिंग द डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन दी बोहर एटॉमिक मॉडल। दिस वॉज वन ऑफ द डिफेक्ट इन बोहर एटॉमिक मॉडल। ये इफेक्ट क्या था? जीमेन इफेक्ट। इसमें यह था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास आता था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसको जब हम देते थे मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो हमने देखा था कि लाइंस जो सी थी वो क्या होती थी? फर्दर स्प्लिट हो जाती थी। लाइंस फर्दर स्प्लिटेड इनटू सेवरल लाइंस। जो एक लाइन थी वो स्प्लिट हो जाती थी सेवरल लाइंस के अंदर, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में बोहर जो है वो नाकाम रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है जिसको हम एम से डोनेट करते हैं, दिस इज द नंबर विच टेल्स दैट वाई दीज लाइन्स वर स्प्लिटेड इंटू सेवरल लाइन्स। तो ये जो चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में लाइन्स का स्प्लिट अप हो जाना, ये बताता है बेसिकली कि हमारे पास जो है उसकी वजह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में लाइन्स क्यों स्प्लिट अप हो जाती हैं। अब गोइंग टू द वैल्यूज़ ऑफ एम, एम की वैल्यू जो सी होती है उसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है और प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। और ये वैल्यूज़ जो सी हैं इसमें अब नेगेटिव वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। अगर आपको याद हो, एन वाज़ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, एल वाज़ ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नाउ दिस एम विच इंक्लूड ज़ीरो एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स बोथ। अब जैसे एल की वैल्यू डिपेंड कर रही थी एन पे, इसी तरह जो एम की वैल्यू है, एम वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो डिटरमिन करेगी द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ एम मैग्नेटिक जो है क्वांटम नंबर। अब वो कैसे डिटरमिन करेगी? उसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज़ दी 2L+1। जो वैल्यू एल की होगी उसको जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो वैल्यू होगी एम की। तो आपके पास किसी भी सबशेल के लिए एम की वैल्यू निकालना डिपेंड करेगा उसके एल की वैल्यू के ऊपर थ्रू दिस फॉर्मूला। तो अब हम तमाम चार की चार एल की वैल्यूज़ के लिए, चार सबशेल्स के लिए एम की डिफरेंट वैल्यूज़ जो सी हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो
तो वी नो व्हेन एल इज इक्वल टू जीरो दिस इज द एस सब शेल एंड फॉर एस सब शेल वी हैव फॉर्मूला ऑफ टू एल प्लस वन विच मेक्स इट टू मल्टीप्लाई बाय जीरो एल की वैल्यू प्लस वन. तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास वन. तो व्हेन एल इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू वन. व्हेन एल इज इक्वल टू वन इट मीन्स इट इज पी सब शेल. दिस पी सब शेल को जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो एल की वैल्यू वन है, एल की जगह वन प्लस वन, तो इट विल मेक इट थ्री. एम की वैल्यू होंगी थ्री. एल इज इक्वल टू टू डी सब शेल. टू एल प्लस वन, टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मेक्स इट फाइव एंड एल इज इक्वल टू थ्री मेक्स दिस एफ सब शेल टू इंटू एल प्लस वन, टू इंटू थ्री प्लस वन विच मेक्स इट सेवन. तो हमारे पास जोनसी हैं एम की वैल्यूज़ हमने देखा कि किस तरीके से डिपेंड कर रही हैं ऑन द वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो ये फार्मूले की मदद से जो है आपके पास वैल्यूज़ निकल आई. अब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है. फॉर एस सब शेल L इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड M इज़ इक्वल टू वन का मतलब ये नहीं है कि M की वैल्यू वन है. ये अभी जो पीछे हमने फाइंड आउट किया है वो हमने ये देखा है कि जब L की वैल्यू ज़ीरो होगी तो M की वैल्यू एक होगी. वो एक नंबर वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, ये इस तरह से शुरू हो रहा है. तो ये ज़ीरो से शुरू होगा तो L जब ज़ीरो होगा M ज़ीरो होगा. जो पीछे हम वन निकाल के आए हैं ये दिस इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ वैल्यूज़ कि आपके पास उसकी वैल्यूज़ कितनी आएंगी. जब m की वैल्यू, जब l ज़ीरो होगा तो m का आंसर कोई एक नंबर होगा. जब l एक होगा तो m जो है वो तीन वैल्यूज़ देगा डिफरेंट. जब l टू होगा तो m का जो आंसर आएंगे पांच आंसर्स आएंगे. तो अब हम वो आंसर्स की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर दोज आंसर्स. व्हेन s सब शेल m की वैल्यू एक आनी थी और वो ज़ीरो है. व्हेन p सब शेल L इज़ इक्वल टू वन एंड M इज़ इक्वल टू, M की वैल्यूज आनी थी थ्री. तो थ्री वैल्यूज़ कौन सी होंगी, ज़ीरो एंड प्लस माइनस वन. तो टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी, थ्री, ज़ीरो प्लस वन और माइनस वन. इसी तरह अब मैं D सब L की तरफ जब जाऊंगा तो L की वैल्यू होगी टू और M की वैल्यू आई थी पाँच. इसका मतलब है ज़ीरो प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, दीज आर द फाइव वैल्यूज़ ऑफ M. फॉर एल इज इक्वल टू टू, ज़ीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू एंड माइनस टू. तो ये पांच वैल्यूज जो सी हैं एल इज इक्वल टू टू के लिए. सिमिलरली द लास्ट सब शेल इज एफ, इसके लिए एल की वैल्यू थी थ्री और एम की वैल्यू आई थी सेवन. मतलब एम के सेवन आंसर्स होंगे. वो कौन कौन से, ज़ीरो प्लस वन माइनस वन थ्री हो गए, प्लस वन माइनस टू फाइव हो गए और प्लस वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री, ये सेवन. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो सी थी वो आ गई सेवन. तो ये आपके पास पता चला कि एल की वैल्यूज़ का एम के साथ जो है वो क्या रिलेशन है. अब बेसिकली जो एम की वैल्यू है वो हमें बताती क्या है. व्हाट डज एम टेल्स अस, द वैल्यू ऑफ एम टेल्स अस द डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल. अब व्हाट इज़ द डीजेनरेसी, डीजेनरेसी का क्या मतलब है. ऑर्बिटल की डीजेनरेसी हमें एम की वैल्यू जो है वो बताती है. डीजेनरेसी का मतलब ये है कि हाउ मैनी वेज या नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच अ सब शेल कैन बी अरेंज्ड. डीजेनरेसी का मतलब ये है कि आप
आपके पास आपका जो सब शेल है वो कितनी तरह की अरेंजमेंट्स में आ सकता है। अभी हमने देखा एस सब शेल के लिए एम की वैल्यू एक थी, इसका मतलब है कि जो आपके पास एस सब शेल है वो सिर्फ एक तरह की अरेंजमेंट जो है वो शो करेगा। पी के केस में एम की वैल्यू आई थी 0 प्लस माइनस 1, ये तीन वैल्यूज बनती हैं। इसका मतलब है कि जो पी सब शेल है दैट हैज़ 3 degenerate orbitals, दैट हैज़ 3 different types of arrangement जो कि ये शो कर सकता है इन केस। और ये कब शो करेगा ये याद रखें, एम की वैल्यू तब एप्लीकेबल होगी जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 और प्लस माइनस 1 जोन सी हैं वो आएंगी। तो इसी तरह जब हमने डी को देखा तो डी की वैल्यू आई एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, इसका मतलब है कि एम की 5 वैल्यूज़ हैं तो इसके 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे और इस ये 5 तरीकों से जो है अरेंज हो सकेगा। और सिमिलरली एफ के केस में हमारे पास वह आंसर आया था 7, एम की वैल्यू थी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, तो 2 2 2 6 और 1 7, 7 डीजनरेट ऑर्बिटल जो से हैं आपके पास मौजूद में आए थे इन द रिजल्ट ऑफ द एफ सबशेल के। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एफ सबशेल अपने आप को 7 डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकेगा और डी 5 डिफरेंट तरीकों से और एस पी जो है वो 3 डिफरेंट तरीकों से। तो ये बेसिकली एम की वैल्यू हमें बताती है कि व्हाट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन एंड अ सबशेल कैन गेट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये तो हो गया जनरल केस, अब हम बारी बारी सबको जो है वो स्टडी कर लेते हैं। व्हेन एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0 और दिस इज फॉर एस सब शेल, ठीक है, ये बात अभी जो हम पीछे स्टडी करके आए हैं। इसका मतलब क्या है कि एस जो सब शेल है इट हैज ओनली वन अरेंजमेंट ये एक्स वाई या जेड एक्सिस के ऊपर किसी एक अरेंजमेंट में जो है वो मौजूद होगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको हम पढ़ के आए हैं, एस सब शेल की जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल, राइट। तो इसका मतलब है कि ये अगर आपके पास एस सब शेल है तो इसकी यही अरेंजमेंट होगी, इससे ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो सकती। अगर दिस इज़ एन एस सब शेल तो ये उसकी अरेंजमेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इज सेम, ये देखें ना ये सर्कुलर है तो न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे पूरे के पूरे सर्कल में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 0 है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू जो है s सबशेल की ओरिएंटेशन या उसकी अरेंजमेंट जो है वो एक ही रहेगी और वो सेम रहेगी। अब हम p सबशेल के पास अगर जाएं तो l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1, दिस इज फॉर द p सबशेल। इसका मतलब क्या है कि जब एनर्जी लेवल जो आपको पी सबशेल का होगा दैट कैन हैव 3 space orientations, ठीक है जी, वो 3 तरह की जो है डिफरेंट ओरिएंटेशंस को वो शो करेगा और ये अरेंजमेंट्स होंगी अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब अगर आप अपने पिछला टॉपिक रिकॉल करें तो पी सबशेल की जो शेप थी दैट वाज दी डंबल शेप। अब डंबल अगर आपने देखा हो नॉर्मली डंबल कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हमारे इस केस में जो है डंबल की शेप या पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो कुछ ऐसी होगी। इफ दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई,
तो आपके पास जो है, अगर मैं कहता हूं जी ये है, तो दिस लुक्स लाइक डम्बल, के आपका जो सेंटर की तरफ जो है वो लोब लोब जो है उसकी वो ब्रीक हो जाती है, और उसके एंड के ऊपर जो है उसकी लोब वो थिक हो जाती है। एग शेप्ड लोब्स हैं जिनके जो उनसे हैं टच ईच अदर एट ओरिजन। ये एग शेप्ड आपके पास लोब है जो कि इस ओरिजन के ऊपर एक दूसरे को मीट कर रही है। अब ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैं इसको कहूँगा दिस इज पी एक्स। पी के तीन स्पेस ओरिएंटेशन होंगी, तो द वन विद द अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड पी एक्स। सिमिलरली इफ एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस वन वुड बी द पी वाई, एंड इफ आई ड्रॉ पी जेड तो इट विल बी लाइक दिस, सिंस दिस इज दी जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम। एम हमें क्या बताता है? एम हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर पी सब शेल जो है वो तीन तरह की ओरिएंटेशन ले सकता है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और ये आपके पास उनकी शेप्स हैं। तो ये बेसिकली हमें उनकी शेप्स बता, शेप्स तो नहीं, उनकी शेप्स की लोकेशन बताता है या ओरिएंटेशन बताता है कि ये कैसे मौजूद होंगे। गोइंग नेक्स्ट टू द डी सब शेल, एल इज इक्वल टू टू एंड एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। इसका मतलब है कि जो आपका डी सब शेल है, जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दैट विल शो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अब वो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस कौन कौन सी होंगी, लेट मी राइट द, जैसे उसमें हमने देखा था पी एक्स और पी वाई और पी जेड। अब इसमें एम की वैल्यू 0 है, प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 एंड माइनस 1, प्लस 2 एंड माइनस 2। तो जब एम होगा 0 तो आपके पास जो डी कहलाएगा, डी वुड बी डी जेड स्क्वेयर। When m होगा प्लस 1 इट विल बी डी एक्स जेड। When m विल बी माइनस 1 इट विल बी डी वाई जेड। When m इज इक्वल टू प्लस 2 इट विल बी डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एंड when m इज इक्वल टू माइनस 2 इट विल बी डी एक्स वाई। तो ये वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू दी m की वैल्यू, ये आपको जो है वो याद होने चाहिए कि m की वैल्यू कौन सी होगी, तो d का नाम क्या होगा या d के एक्सिस क्या होंगे। अगला टॉपिक जो हम इनकी शेप्स का पढ़ेंगे उसमें ये x, z और y, z इनकी वैल्यूज जो है आप तक ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब इनकी शेप्स की तरफ अगर आएँ तो शेप्स ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्या होगा जी, उनकी जो शेप है वो आइडेंटिकल नहीं होती, वो एक जैसी नहीं होती। और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो उनसे हैं आपके पास, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो इनके तमाम के तमाम पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। जब भी जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को आप रिमूव कर देंगे तो एनर्जी जो उनकी है उनकी वो सेम होगी, और हम इनको कहते हैं 5-fold डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जब 5-fold का क्या मतलब है, 5 times डीजनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में दे हैव सेम एनर्जी एंड दे आर कॉल्ड 5-fold डीजनरेट ऑर्बिटल। अब गोइंग नेक्स्ट टू द लास्ट वन जो कि एफ सब शेल है, उसके लिए वैल्यू होती है आपके पास एल इज इक्वल टू 3 एंड एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, टोटल नंबर आर 7। 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे एफ के। एंड दे हैव 7 शेप्स या 7
ओरिएंटेशंस, शेप्स उनकी सेम होंगी बट दे विल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस अलोंग द डिफरेंट एक्सेस. तो इनकी जो सी एफ सबशेल की शेप्स होती हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेज एंड एट दिस लेवल, लिहाजा उन्होंने इनको मेंशन नहीं किया आपकी बुक में और हम भी इनको मेंशन नहीं करते. तो यहाँ से हमारे पास पता क्या लगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये हमें जो चीज़ बताता है वो ये होती है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस आपके सामने आती हैं तो वो बेसिकली क्या बता रही होती हैं. डिफरेंट लाइंस का मतलब होता है टेल्स अस डिफरेंट ओरिएंटेशंस के उनकी लोकेशन या उनकी मौजूदगी किस अंदाज में जो है आपके पास स्पेस में मौजूद है. इसी वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम को समटाइम्स हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर. क्यों? क्योंकि ये हमें ऑर्बिट की ओरिएंटेशन बताता है, इस वजह से इसको हम ये नाम भी देते हैं. तो अब यहाँ पे जैसे हमने शुरू में जब क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी किया था तो हमने ये देखा कि क्वांटम नंबर बेसिकली एक एड्रेस के तौर पे काम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के. तो यहाँ पे हमारे तक वही चीज़ें खुल के आ रही हैं कि एन हमें उसका शेल बताता है, एम हमें उसका सब शेल बताता है, एल हमें उसका सब शेल बताता है और सिमिलरली एम जो है वो हमें उसकी ओरिएंटेशन बताता है. तो जैसे आपको किसी बंदे के एड्रेस के मालूम होने के लिए उसका सिटी ब्लॉक और एरिया और हाउस नंबर पता होना चाहिए, इसी तरह हम उसके एड्रेस की तरफ एड्रेस ही की तरह हमें इन्फॉर्मेशन हर क्वांटम नंबर बता रहा है. एक ने बताया जी कि आपका इलेक्ट्रॉन फलाने शेल में होगा, दूसरे ने बताया कि उस शेल के अंदर इस सब शेल के अंदर मौजूद होगा और तीसरे ने बताया कि इस सब शेल के अंदर इस ओरिएंटेशन की शक्ल में मौजूद होगा. तो ये सारी चीज़ें उसी तरह जैसे एड्रेस वाली एग्जांपल हमने ली थी बिल्कुल उसी तरह हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है. अब हमारा सिर्फ एक और जो है क्वांटम नंबर रह गया है, दैट इज़ लास्ट, विच इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो स्टडी करेंगे और यहाँ पे हमारे क्वांटम नंबर्स जो से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. तो दिस वाज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंड इट टेल्स अस अबाउट द डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन प्रेजेंट इन द स्पेस. तो ये हमारा आज का टॉपिक आखिरी था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर.